एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने ही YouTube चैनल ओनली जॉब अपडेट में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों यूपी मुहर्रम 2021 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। यूपी 2021 को लेकर योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस के मुताबिक आपको बता दें यूपी मुहर्रम जुलूस 2021 होगा या नहीं होगा, तो क्या क्या करना होगा और कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा, जुलूस में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, सारी जानकारी देंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही रोजाना मुहर्रम और ताजिया जुड़े नए नए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल ओनली जॉब अपडेट को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज का टाइम लगवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मुहर्रम का महीना इस्लामी कैलेंडर के पहला महीना होता है। यह महीना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह दशमी दिन अशुरा मनाया जाता है। मजहब के प्रमुख त्योहारों को यह त्यौहार 19 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। इस्लाम के मजहब के मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अशुरा के दिन इमाम हुसैन करबला की लड़ाई में सिर कलम कर दिया गया था और उनकी यादों में इस दिन जुलूस और ताजिया निकाले जाते हैं। रातों को मानने वाले मुसलमान रोज़ा नमाज के साथ इस दिन ताजियों को आंकड़ों शौक से मनाते हैं। इस दिन मस्जिदों में फजीलत और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को विशोक तकरीर होती है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार अशुरा मोहम्मद हुसैन के नवासे हुसैन की शहादत के दिन रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर शिया सुन्नी दोनों मुसलमान समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। दोस्तों वीडियो यहीं तक रही। वीडियो कैसी लगी वो हमें नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही रोजाना मुहर्रम और ताजिया जुड़े नए नए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल ओनली जॉब अपडेट को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो भी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, शुक्रिया।